नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यूक्रेन पर रशिया इस वक्त हमला कर रहा है और कैसे एक महायुद्ध लड़ा जा रहा है इस वक्त यूक्रेन की धरती पर। आइए इसी से जुड़ी 25 बड़ी खबरें आपको जल्दी से दिखाते हैं टॉप 9 महायुद्ध में। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 3,500 सैनिक इस जंग में अब तक मारे जा चुके हैं, साथ ही 200 सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने बंधक बना लिया। यूक्रेन मिलिट्री ने दावा किया है कि युद्ध में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के 14 फाइटर जेट, 8 हेलीकॉप्टर, 102 टैंक, 536 मिलिट्री व्हीकल्स को यूक्रेनी सेना ने तहस नहस कर दिया। 64 घंटे से यूक्रेन में नॉनस्टॉप तबाही जा रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है, रूस अपने जवानों की लाशें वापस ले जाए। खेरसॉन में रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध हुआ है। इस वॉर फ्रंट पर यूक्रेन ने रूस की पूरी बटालियन को तबाह कर दिया। यूक्रेनियन हमले में रूसी सेना के टैंक, तोप और मिलिट्री गाड़ियां ध्वस्त हुए। कीव में रूस की एयर स्ट्राइक से हाई राइज बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। मिसाइलों के जरिए हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इस हमले से भारी तबाही हुई। रूस यूक्रेन में आर पार की जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन की फौज ने जमीन से गोले दागकर रूसी जेट को गिराने की कोशिश की। गोलों की बौछार से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का कहर जारी है। मिसाइल अटैक में कीव की बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। तबाही की लाइव तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कीव के बाहरी इलाकों में भी रूसी फौज के हमलों से भारी तबाही हुई है। कई इलाकों में रूसी स्ट्राइक से भारी विध्वंस हुआ है। अब हर तरफ सन्नाटा पसरा है। कीव के बेस्तइस्का मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ। रूसी टैंकों ने मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद ब्रिज उड़ाया। रूसी सैनिक शुल्यावका की ओर बढ़ते दिखे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।